लखीमपुर खीरी जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली बेटी इस वक्त अपने चित्र बनाने के हुनर के कारण अपने पूरे गांव सहित जिले का नाम रोशन कर रही है। यही नहीं, वह अपने इस हुनर के चलते अब तक कई जगहों से अवार्ड भी जीत चुकी है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले तहसील पलिया कला के थाना संपूर्णा नगर के एक छोटे से गांव बिश्नीपुरी के विक्रम वन की रहने वाली उमानाथ गुप्ता की पुत्री पूनम गुप्ता, जो कि तहसील पलिया के गोल्डन फ्लावर पब्लिक स्कूल में 11वीं क्लास में शिक्षा ग्रहण करती है, जो कि बचपन से ही पूनम को चित्र बनाने का शौक रहा, जिसके कारण वह बचपन से ही ना जाने कितनी पेंटिंग अब तक बना चुकी है, जिसमें उसकी सबसे खूबसूरत तस्वीरें डांस करती गुड़िया हो या किसी माँ की और बेटी की। इसके अलावा उसने भारत माता की तस्वीर, जो कि आज कोरोना काल में अपनी एक अलग पहचान दर्शाती है, मुंह पर मास्क, हाथों में सैनिटाइजर या फिर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अन्य चीजें सभी एक सीख देती नजर आ रही हैं। यह नहीं, इस चित्रकला के हुनर के चलते उन्होंने स्कूल के अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व में हो रहे कार्यक्रमों पर पार्टिसिपेट कर फर्स्ट प्राइज जीता। यही नहीं, उसने जिले से बाहर भी कई कार्यक्रमों में भी अवार्ड और सर्टिफिकेट जीते। बातचीत में पूनम गुप्ता ने बताया कि उनको पेंटिंग बनाने का शौक बचपन से ही है और वह भविष्य में एक बेहतरीन चित्रकार तो बनना चाहती हैं, लेकिन अभी वह यह नहीं जानती कि उनको आगे क्या करना है। हालांकि उन्होंने चित्रकला में एक अलग पहचान बनाई है और वह तक सैकड़ों के हिसाब से पेंटिंग बना चुकी है और कई अवार्ड जीत चुकी है, जिससे उनके साथ साथ पूरे गाँव का नाम रोशन कर रही है। और यही नहीं, देखा जाए तो आगे बढ़कर वह पूरे जिले का नाम भी रोशन कर सकती है। संजय कुमार गुप्ता। अच्छा, ये जो चित्र बना रही कौन है आपकी बेटी? ये हमारी भतीजी है। अच्छा, तो किस तरीके से इसको सीख मिली और क्या कहना चाहेंगे आप? ये मतलब शुरू से बचपन से ही ये पढ़ने में भी तेज है और मतलब चित्रकला बनाने में भी बहुत आगे है। ये हर जगह मतलब कि स्कूल में कई जगह कंपटीशन में भी मतलब टॉप आया है और काफी मतलब कि स्कूल में हर जगह मतलब इसको बहुत लगन से मतलब पढ़ती है, करती है। तो क्या कहना चाहेंगे आगे, वो क्या बनना चाहेगी? आगे बढ़ना क्या मतलब कि देखिए, हम लोग तो पूरा इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी अब आगे इसके भविष्य में अब किस्मत नसीब जाने। मेरा नाम पूनम गुप्ता है, मैं गोल्डन फ्लावर पब्लिक स्कूल से हूँ और मैं 11th क्लास में हूँ इस टाइम प्रेजेंट में। और मेरा पैशन है ड्राइंग में और मुझे बहुत अच्छा लगता है करना ड्राइंग। तो मैंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा और अंकल दिखाई देंगे आपको, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है और मुझे अच्छा लगता है। क्या अवार्ड आपको मिले हैं अभी तक? मैंने गोल्डन फ्लावर से दुधवा में पार्टिसिपेट किया था, नेशनल हमारा नेशनल वो पार्क है तो हमने उसमें कंपटीशन में पार्ट लिया था, जैसे सेफ टाइगर और सेफ वाटर पे, तो हमने अवार्ड भी मिला है और पार्टिसिपेट किया था हमने तो सर्टिफिकेट भी मिला है मुझे। क्या करना चाहते हैं आगे ड्राइंग लाइन में आप? अगर जो सबका मतलब रहा इसमें तो हम जरूर करना चाहेंगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करेंगे। आपको ये सीख कहाँ से मिली कि ड्राइंग के? जी, ये हमें मतलब किसी ने सिखाया तो नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है, मैं बचपन से ही करती थी और अभी भी करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।